ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए। नेटो समिट हुई है ब्रसल्स में। अब नेटो समिट जो है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अगर आपको याद हो कि जो अमेरिकी सदर फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, वो आके कहा करते थे कि ये जो अमेरिका, ये जो नेटो का हेडक्वार्टर है, ये इतना महंगा है, और जो नेटो के लोग हैं, नेटो कंट्रीज हैं, वो अपना 2% ऑफ द GDP हमें क्यों नहीं देते, और हम आपकी सिक्योरिटी के गारंटर नहीं रहेंगे। और वो जो आर्टिकल 5 है बेसिकली जो असल प्रॉब्लम था यूरोपियंस के लिए, उसकी वो जो एक कॉमन डिफेंस एंड कॉमन सिक्योरिटी की बात की जाती थी, उसको एक बहुत बड़ा खतरा था एज लॉन्ग एज डोनाल्ड ट्रंप वॉज कंसर्न्ड, और उनको यूरोपियन से हमेशा प्रॉब्लम रहता था। लेकिन जो बाइडन के आने के बाद आपने देखा कि क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी डिप्लोमेसी इज बैक, बाइडन कह रहे हैं वी आर बैक ऑन द टेबल। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना के लिए मर्ज हो रहा है और इसको देखने की बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये तो ये कह रहे हैं, यूरोप ने ये कहा है कि G7 ने भी कहा है कि जो चाइना है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, सिस्टेमिक चैलेंज की बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। भारत को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा व्हाट एवर दिस ग्लोबल सिचुएशन इज इमर्जिंग, बिकॉज चाइना इज जस्ट ऑन द बॉर्डर, चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर आपस में इश्यूज हैं, तो वो जो एक ग्लोबल आउटरीच या ग्लोबल एक एनवायरमेंट चाइना के बारे में बनेगा, उसको ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आगे जाऊं कि G7 और नेटो के जो क्या हुआ और इसका इंडिया को पे कैसे इंपैक्ट होगा, मैं बताना चाहता हूं आपको कि इनकी ट्रेड कितनी है। अगर आप EU की और चाइना की ट्रेड देखें तो आपको पता ये चलेगा कि जो चाइना है वो चाइना और EU की जो डेली की ट्रेड है दैट इज अबाउट 1 billion euro अ डे, चाइना एंड यूरोप 1 billion euro अ डे। और जो चाइना जो है वो सबसे बड़ा, वो जो अपनी इम्पोर्ट्स हैं उसकी चाइना से आती हैं, उसकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टर है वो, और ऑब्वियसली चाइना की जो सेकंड बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है वो यूरोप है। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका ये समझता है कि चाइना तकरीबन 14-15 trillion dollar की इकोनॉमी है, और अगर आप उसमें देखें तो जो बायलैटरल इनकी ऑलमोस्ट ट्रेड है दैट इज अबाउट 650 billion US dollars, और जिसमें जो अमेरिका की एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को दे आर अबाउट 170 billion dollar के करीब हैं, एंड द इंपोर्ट्स जो अमेरिका की हैं दे आर अबाउट 480 billion dollar इंपोर्ट्स हैं। सो जो ट्रेड बैलेंस है डेफिसिट है दैट इज मोर देन 300 US dollars का चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस है। अभी सेम इज द सिचुएशन इन यूरोप एंड सेम इज द सिचुएशन इन वहां पे है अमेरिका के लिए। अब देखना यह है कि यहाँ पे जितने लोग 30 मेंबर जो स्टेट से इकट्ठी हुई उन्होंने क्या बातें की, और मैं क्यों समझता हूँ कि इंडिया इज गोइंग टू बी बेनिफिशियरी ऑफ दिस एनवायरमेंट जो जो डेवलप ले रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि ये जो डिस्कशंस हुई वहां पे उसमें कुछ चीजें समझने की है। मिसाल के तौर पे कि जो नेटो ने अपना जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट 2010 में बनाया था उसमें वो चाइना को एज एन एडवर्सरी समझते ही नहीं थे, वो समझते नहीं थे कि ये चाइना जो है हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है या चाइना हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी वो समझते हैं कि भाई नहीं, चाइना जो है वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और हमने 2010 में चाइना को जिक्र ही नहीं किया, बट नाउ वी कॉल दैट इज अ सिस्टेमिक चैलेंज टू अस। और ये आप देखें कि ये 72 years old जो कोल्ड वॉर इरा का जो ये पैक्ट है नेटो, ऑब्वियसली ज्वाइंट कम्युनिके दे रहा है, अपनी सारी बातें कर रहा है, और मजे की बात है कि चाइना को दुश्मन कहना भी चाहते हैं और मानते भी नहीं है। मिसाल के तौर पे जो स्टॉलनबर्ग हैं जो नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हम चाइना को एडवर्सरी नहीं मानते, हम चाइना के साथ इंगेज करना चाहते हैं। वो इंगेज ऑब्वियसली इसीलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि 1 billion euro की एक डेली की ट्रेड है, 1 billion euro, दैट्स अ वेरी बिग नंबर अगर आप देखा जाए। और इसमें जारी बात है चाइनीज जो हैं वो देख तो रहे हैं लेकिन दे वॉन्ट टू जस्ट they don't want to pay attention to it because उनको पता है कि हमारा इकोनॉमिक इंगेजमेंट ज्यादा है, सो मिलिटरी हम उसमें नहीं जा रहे।